ABPS न्यूज। रामगंगा नदी किनारे बसा सिकंदरपुर पट्टी गांव ब्लॉक मुंडा पांडे से 22 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गांव अपने आप में एक सुंदर सौंदरता को दर्शाता है। एबीपीएस न्यूज की टीम जब गांव पहुंची तो पाया कि सभी सड़कें सीसी टाइल्स की बनी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाँव में शौचालय भी अधिक मात्रा में देखने को मिले और सोलर लाइट सरकारी हैंडपंप भी जगह जगह लगे मिले। जब टीम ने ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय भी हालत काफी लंबे अरसे से जर्जर थी, उसको ग्राम प्रधान सुंदर सिंह ने ठीक करा दिया है और नदी के कटान के कारण किसानों को होती परेशानी को दूर करने के लिए सरकार से बांध की मांग की है। साथ ही साथ इस गांव में पंचायत घर भी नहीं है और नदी के कटान के कारण किसानों को होती परेशानी को दूर करने के लिए सरकार से बांध की मांग की है। साथ ही साथ इस गांव में पंचायत घर भी नहीं है, इसलिए प्रधान ने सरकार से पंचायत घर की मांग की है। मैं सुंदर सिंह, ग्राम प्रधान सिकंदरपुर पट्टी। हमने जो अब तक विकास कार्य करे हैं तो हमने पहले प्राथमिकता पर शिक्षा और सफाई को महत्व दिया। स्कूल की स्थिति हमारी इतनी जर्जर थी और वहाँ की तो बच्चे भी स्कूल में मतलब भेजना ही दुश्वार था गांव वालों का। सबसे पहले हमने स्कूल को प्राथमिकता पे लिया। 14वीं वित्त से हमने जो अनुमति लेके एबीएस के हिसाब से स्कूल का काम शुरू किया, उसकी बाउंड्री वॉल कराई। उसके बाद हम उस परिसर में टाइल आदि भी लगवा रहे हैं। सफाई के बारे में हम अपने स्तर से भी अलग अलग मद से ना लगने वाले पैसे से भी सहयोग करते हैं। नालियों की सफाई है, मनरेगा में भी हमने 2 साल में अभी तक बड़े थोड़ा काम करा पाए हैं। काम क्यों करा पाए हैं कि पीछे हमारे रास्ते ही हमें कम मिल पाए। नदी के कटान के लिए भी हमने इस बार कार्य योजना में डालने का प्रयास है। कई लोगों के खेतों में रामगंगा का कटान है, थोड़ी बहुत उससे रुकेगी स्टक वगैरह लगाने के। आगे भी हम चाह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ी दिक्कत है, कई गांवों का यहाँ पे आना जाना रहता है, तो जैसे कि शमशान है, पंचायत भवन हमारा बिल्कुल डैमेज पड़ा हुआ है, उसमें बैठने लायक तो क्या, उस पर दूसरों ने कब्जा भी जमा है, उसमें बैठने की स्थिति हमारी है नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत भवन भी पुनः उसका जो है जीर्णोद्धार हो। और बाकी समस्या तो ये है कि हम भले ही कितना प्रयास करें सामाजिक कार्यों में, बुराइयाँ तो पैदा होती हैं।